नाज़रीन आदाब, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जानिब से मैं डॉक्टर मसरूर फातिमा आपका खैर मकदम करती हूँ। आज के इस तालीमी प्रोग्राम में मैं फाइलम ओनाइकोफोरा का ज़िक्र करूँगी। फाइलम ओनाइकोफोरा जो किंगडम एनिमेलिया में आता है, इनको लिविंग फॉसिल भी कहते हैं और फाइलम ओनाइकोफोरा को फाइलम एनालिडा और फाइलम आर्थ्रोपोडा की कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। इसका मतलब ये दोनों फाइलम के बीच में रहकर दोनों फाइलम की खसूसियात रखते हुए और फाइलम एनालिडा को फाइलम आर्थ्रोपोडा से जोड़ता है। फाइलम ओनाइकोफोरा को वेलवेट वर्म भी कहते हैं। वेलवेट का मतलब मखमली देखने में, वर्म का मतलब ये एक कीड़े यानी केचुए की मुशाबिहत का होता है, इसलिए इनको वेलवेट वर्म कहते हैं। वेलवेट वर्म 4000 मिलियन साल पुराना एनिमल है और इसको एनिमल एंसेस्ट्रल फॉसिल्स में भी कंसीडर किया जाता है। वेलवेट वर्म दुनिया में अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के टेम्परेट ट्रॉपिकल जंगलात में जहाँ नमी हो और अंधेरा हो वहीं ये जानवर पाए जाते हैं। ये पत्तियों के नीचे झाड़ियों में और मिट्टी की दरारों में छिपकर बैठे होते हैं। ओनाइकोफोरन्स नॉकटर्नल होते हैं, सिर्फ रात के वक्त ये बाहर निकलते हैं। इनके जिस्म का रंग स्लेटी या भूरे रंग का चमकदार रंग होता है। इस फाइलम की लगभग 200 स्पीशीज़ का जिक्र हर जगह मिलता है। हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी स्पीशीज़ हों, लेकिन इस फाइलम का एक ही ऑर्डर हयात है जिसमें दो एक्सटेंट यानी मौजूदा फैमिलीज़ हैं। पहली है पेरिपेटिडा और दूसरी है पेरिपेटॉप्सिडा। वेलवेट वर्म यानी ओनाइकोफोरन्स 6 से 20 सेंटीमीटर लंबा एक अजूबा जानवर और एक अजूबा गोश्तखोर शिकारी है। अजूबा शिकारी होने की ही वजह से इसको वियर्ड एनिमल्स के अंदर भी रखा जाता है। वियर्ड एनिमल्स का मतलब है चाहे वो चिड़िए हों या कोई इन्वर्टिब्रेट हो जिनकी हरकतें एकदम दूसरे जानवरों से अलग होती हैं, उनको वियर्ड एनिमल्स कहते हैं। तो ओनाइकोफोरन्स या वेलवेट वर्म भी वियर्ड एनिमल्स में आते हैं। इसका जिस्म बायलैटरली सिमेट्रिकल और सेगमेंटेड होता है। बायलैटरली सिमेट्रिकल का मतलब कि अगर आप जिस्म को बीच से काटा जाए तो वो उसके दोनों साइड में, लेफ्ट साइड यानी दाहिनी और बाईं तरफ का जो हिस्सा होगा वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। इनके जिस्म को छोटे छोटे से हिस्सों में बटा हुआ होता है, जिसलिए इसी वजह से इनको हम कहते हैं कि इनका जिस्म सेगमेंटेड है। वेलवेट वर्म्स वर्मी फॉर्म होते हैं और इनका पूरा जिस्म एक मखमली झुर्रीदार महीन स्किन या जिल्द से ढका होता है। इस जिल्द के ऊपर भी एक हल्की सी लेयर होती है जो डेड सेल्स की बनी होती है, उसको काइटिनस क्यूटिकल कहते हैं। काइटिनस क्यूटिकल एक एक्सोस्केलेटन या बेरूनी ढांचे का काम करता है और वेलवेट वर्म के अंदर मोल्टिंग या एक्डाइसिस होती है। मोल्टिंग का मतलब, और ये मोल्टिंग वेलवेट वर्म में हर हफ्ते होती है, मोल्टिंग का मतलब होता है कि ये ऊपर की जो काइटिनस क्यूटिकल होती है वो हर हफ्ते वेलवेट वर्म्स उसको झाड़ देते हैं और उसकी जगह पे एक नई क्यूटिकल आ जाती है। जिस तरह से हम कपड़े चेंज करते हैं उसी तरह से ये वेलवेट वर्म में भी मोल्टिंग या एक्डाइसिस होती है।
वेलवेट वर्म की ये जिल्द या स्किन परमिएबल होती है, यानी इसके अंदर छोटे छोटे से सुराख मौजूद होते हैं। इस वजह से वेलवेट वर्म को हर लम्हा पानी की कमी का एहसास होता है और वो ज़्यादातर नमी में रहना पसंद करता है। वेलवेट वर्म की इस वर्मी फॉर्म बॉडी को अगर आप देखें तो ये ऊपर से और नीचे पोस्टीरियर साइड से पतली होती है। कुछ इसकी ज़्यादातर मुशाबिहत जो है वो केचवे जैसी होती है या फिर नैरीज या हेट्रोनैरीज जैसी होती है। इसके जिस्म को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। ऊपर का एंटीरियर हिस्सा जो है 1 से 3 सेगमेंट का जो पोर्शन होता है वो हेड कहलाता है, और उसके नीचे से तक का जितने भी सेगमेंट्स होते हैं उनको ट्रंक रीजन कहते हैं। इसके सर को और धड़ को यानी हेड रीजन को और ट्रंक के रीजन को बाहर से पहचानना मुश्किल होता है। इसके हेड में जो पहला सेगमेंट होता है उसके ऊपर 2 लंबे लंबे एंटीना पाए जाते हैं। ये एंटीना अपने इर्द गिर्द में चीज़ों का जायज़ा लेते हैं। दूसरे सेगमेंट में इसके छोटी छोटी सी 2 कप शेप की आंखें मौजूद होती हैं, और उसके बाद आता है सर्किट का तीसरा सेगमेंट। तीसरे सेगमेंट में 1 पेयर छोटी कोनिकल ट्यूब मौजूद होती हैं। इन ट्यूब्स को हम ओरल ट्यूब या ओरल पैपिला कहते हैं। ओरल ट्यूब या ओरल पैपिला बाहर की तरफ एक छोटे से सुराख के ज़रिए खुलती हैं। इसके बाद अगर आप इसके हेड रीजन को पलट करके देखें, यानी इस एनिमल को वेंट्रल साइड से अगर देखें, तो हेड रीजन में एक छोटा सा गोल मुंह मौजूद होता है, और उस मुंह के अंदर 2 मजबूत सिकल शेप्ड मैंडिबल्स या जबड़े मौजूद होते हैं। 3 सेगमेंट्स तक के हेड हो गया, और उसके बाद का रीजन पूरा रीजन ट्रंक रीजन कहलाता है, यानी चौथे सेगमेंट से ले करके और लास्ट तक के पोस्टीरियर एंड तक के ट्रंक रीजन है। इस ट्रंक रीजन में 14 से 43 यानी 14 to 43 जोड़ी अनजॉइंटेड लेग्स होते हैं। ये 14 to 43 पेयर्स ऑफ द अनजॉइंटेड लेग्स जो हैं, ये हर स्पीशीज़ में अलग अलग इनका नंबर जो है वो वैरी करता रहता है। इन लेग्स को हम लोबोपोड कहते हैं। ये लोबोपोड हर सेगमेंट्स में मौजूद होते हैं। ये लोबोपोड एक फ्लूइड से भरे हुए कोनिकल बैग की शक्ल में मौजूद होते हैं। लोबोपोड को अगर आप देखें तो उनकी शक्ल ज़्यादातर आप जैसे आइसक्रीम खाते हैं, ख़ास तौर से सॉफ्टी जब खाते हैं, तो जो शक्ल उसमें कोन की होती है एकदम लोबोपोड की शक्ल उसी कोन की शक्ल की होती है। लोबोपोड के आखिर में जा कर के जैसे हम लोगों की उंगलियों में नाखून पाए जाते हैं, इसके भी पैरों में आखिर में 2 लंबे लंबे नाखून की शक्ल में क्लॉज या पंजे मौजूद होते हैं, और इन पंजों की वजह से ये वेलवेट वर्म जब किसी लकड़ी के ऊपर या डाल के ऊपर चढ़ता है तो उससे इसको पकड़ने में मदद मिलती है। लोबोपोड काफ़ी मस्कुलर होते हैं और इनके अंदर ये सलाहियत होती है कि ये सिकुड़ भी सकते हैं और फैल भी सकते हैं, और वेलवेट वर्म को रेंग कर चलने में काफ़ी मदद करते हैं। इसके जिस्म की बॉडी कैविटी में हीमोसील होता है, यानी ऑर्गन्स के बीचों बीच में जो खाली जगह होती है वो एक फ्लूइड से भरी हुई होती है, और इसको हीमोसील कहते हैं। हीमोसील जिस्म के अंदर इस तरह से भरा होता है और लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ये जिस्म के अंदर एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बनाता है और वेलवेट वर्म को पेरिस्टाइलसिस मूवमेंट में मदद करता है। पेरिस्टाइलसिस मूवमेंट का मतलब कि जब कोई जानवर आगे बढ़े और उसके जिस्म एक लहर की शक्ल में आगे की तरफ बढ़े तो वो पेरिस्टाइलसिस मूवमेंट कहलाता है। इसकी बॉडी कैविटी के दोनों तरफ ओरल पैपिला से जुड़े हुए
एक जोड़ी स्लाइम ग्लैंड्स होती हैं जो जिस्म के आखिरी हिस्से तक फैली हुई होती हैं। ये स्लाइम ग्लैंड्स की ये खसूसियात है कि ये अपने अंदर से एक इखराज करती हैं। ये इखराज यानी सिक्रीशन जो है ये मिल्की वाइट या दूधिया रंग का होता है और चिपचिपा गोंद जैसा होता है, और इसी स्लाइम की वजह से या म्यूकस की वजह से ये बहुत ही अच्छा शिकारी माना जाता है। वेलवेट वर्म कार्निवोरस होता है और ये ज़्यादातर इनवर्टिब्रेट्स को खाता है। इनवर्टिब्रेट्स मसलन इंसेक्ट्स हैं, स्नेल्स हैं, घोंघे हैं, छोटे छोटे से वर्म्स हैं। ये वर्म्स या घोंघे या इनवर्टिब्रेट्स इसके जब इर्द गिर्द आते हैं और ख़ास तौर से अगर जहाँ पे ये मौजूद है या बैठा है और इससे 15 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे अगर इसका ये शिकार आता है तो ये एक झटके के साथ स्लाइम या म्यूकस को अपने ओरल ट्यूब के ज़रिए बाहर निकालता है, और जब ये बाहर निकल करके स्लाइम आता है तो हवा में आते ही ये स्लाइम की ये खसूसियत है कि ये सख्त हो जाता है और एक सख्त धागे की तरह बार बार उधर से स्लाइम की बौछार आ रही है और हवा में वो सख्त होती जा रही है, तो इस तरह से वो शिकार के चारों तरफ एक जाल सा बना देता है और शिकार बेचारा बेबस हो जाता है और वेलवेट वर्म उसके करीब जा कर के उसको कुतर कुतर के खा जाते हैं। इसके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है यानी इसका जो दौरानी निज़ाम है उसका मेन ऑर्गन है हार्ट। हार्ट जिस्म के डॉर्सल साइड में, मतलब है कि ऊपर की तरफ एक पेरिकार्डियल साइनस की थैली के अंदर मौजूद होता है, और ये हार्ट पेरिकार्डियम से पूरे टाइम अपना एक रास्ता कायम रखता है। उस रास्ते को कायम रखने के लिए हार्ट के दोनों तरफ छोटे छोटे से छेद पाए जाते हैं। ये छेद ऑस्टिया कहलाते हैं। ऑस्टिया समझ लीजिए एक तरह से हार्ट और पेरिकार्डियम के बीच में एक खुला हुआ दरवाज़ा है जो कि कभी बंद नहीं होता है। हार्ट यानी दिल लोबोपोड के पहले हिस्से से शुरू हो करके और जिस्म के आखिरी हिस्से तक के फैला हुआ होता है। ये ट्यूबलर होता है, ट्यूब की शक्ल का होता है। इसमें जो दौरान करता है खून, वो खून बेरंगा होता है, उसका कोई रंग नहीं होता है, उसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता है और ना ही कोई दूसरी वेसल्स होती हैं। इस तरह से इसके अंदर जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एलिमेंट्री कैनाल यानी निज़ाम हाजमा एक लंबी ट्यूब की शक्ल में मौजूद होती है जो जिस्म के तीसरे हिस्से में मौजूद मुंह से लेकर के ट्रंक के सारे सेगमेंट्स को कवर करती हुई आखिर में जाकर के वेंट्रल साइड में एक छोटे से छेद के ज़रिए बाहर खुलती है। इस छेद को एनस कहते हैं। इसके ऊपर की तरफ एलिमेंट्री कैनाल में जो फेरिंग्स होती है वो काफ़ी मस्कुलर होती है और एक्स शेप बनाती है। एक्स शेप की फेरिंग्स होने की वजह से वेलवेट वर्म्स को किसी चीज़ को चूसने में मदद मिलती है। इसमें स्टमक और इंटेस्टाइन को अलग अलग से नज़र आना या एकदम आराम से ये कह देना कि ये इंटेस्टाइन है, ये स्टमक है, काफ़ी मुश्किल होता है। इसके अंदर भी इसकी एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाती हैं और ये हुदूद ख़ास तौर से सेलेवरी ग्लैंड्स कहलाते हैं। ये ग्लैंड भी ट्यूब की शक्ल की होती हैं और तीसरे सेगमेंट से लेकर के आखिरी सेगमेंट यानी तीसरे सेगमेंट तक के फैली होती हैं। ये ग्लैंड्स भी एक तरह का सलाइवा, सलाइवा से हमारा मतलब है कि जैसे हमारे मुँह में थूक होता है उसी शक्ल का सलाइवा होता है, इनके भी सिक्रीट होता है और इसके अंदर काफ़ी एंजाइम्स पाए जाते हैं। वेलवेट वर्म का तनफ्फुसी निज़ाम यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन जो है यानी अज़ो ट्रैकिया है।
ट्रैकिया एक गुच्छे में छोटी छोटी सी ट्यूब पूरे जिस्म के शक्ल में फैली हुई होती हैं और बाहर की तरफ जिस्म के बाहर एक छोटी सी ओपनिंग से खुलती हैं जिसको स्टिग्मेटा कहते हैं या स्पाइरिकल कहते हैं। जिस्म के ऊपर स्पाइरिकल की मौजूदगी की वजह से हर वक्त वेलवेट वर्म को जिस्म में पानी की कमी का एहसास होता है। इसका मतलब स्पाइरिकल भी खुले हुए दरवाज़े हैं, इनके अंदर कोई बंद होने का सिस्टम नहीं है और एक तरफ तो ये स्पाइरिकल की मौजूदगी वेलवेट वर्म को सांस लेने में मदद कर रहा है, पूरे टाइम फ्रेश एयर ले रहा है बाहर से और ट्रैकिया के ज़रिए जिस्म के हर अज़ों में फ्रेश एयर सप्लाई कर रहा है, लेकिन दूसरी ही तरफ पूरे टाइम इसी स्पाइरिकल के ज़रिए और जिस्म में मौजूद इसकी स्किन में मौजूद छोटे छोटे पोर्स से पूरे टाइम पानी का लॉस होता रहता है और वेलवेट वर्म हर लम्हा पानी की कमी महसूस करता है और यही एक वजह जिसके वजह से ये नमी में रहना पसंद करता है। इसका इखराजी निज़ाम यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो नेफ्रीडिया पर मुश्तमिल है जो जिस्म के लैटरल साइड में हर सेगमेंट में पाए जाते हैं और ये नेफ्रीडिया लोबोपोड इसके यानी पैर जो हर सेगमेंट में होते हैं उनके वेंट्रल सरफेस में खुलते हैं। ओनाइकोफोरन में सीढ़ी नुमा यानी लैडर लाइक नर्वस सिस्टम होता है। सीढ़ी नुमा से मतलब मेरा है कि एक नर्व दाहिनी तरफ दूसरी नर्व बाईं तरफ और ये दोनों नर्व बीच में छोटी छोटी सी नर्व से जुड़ी हुई होती हैं, इसीलिए कहते हैं कि वेलवेट वर्म का नर्वस सिस्टम लैडर लाइक नर्वस सिस्टम है। लैडर में ऊपर की तरफ बाईलोब्ड ब्रेन होता है यानी दिमाग होता है जो ऊपर एंटीना के नीचे होता है और फेरिंग्स के डॉर्सल साइड में मौजूद होता है। इसका तौलीदी निज़ाम या रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नर और मादा दोनों अलग अलग पाए जाते हैं। इसका ये मतलब है कि ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करता है और मेल यानी नर के अंदर टेस्टिस मौजूद होती है और मादा में ओवरी पाई जाती है। फीमेल मादा हमेशा नर से लंबी होती है और लंबे होने की वजह से उसके अंदर पैरों की तादाद भी ज़्यादा पाई जाती है। वेलवेट वर्म एक ऐसा एनिमल है, इन्वर्टिब्रेट है, जो कि ओवीपेरस भी होता है और वीवीपेरस भी होता है। इसकी जो स्पीशीज़ ओवीपेरस होती हैं वो अंडे देती हैं और जो वीवीपेरस होती हैं वो बच्चे देती हैं। इसके मतलब जो वेलवेट वर्म्स वीवीपेरस होते हैं उनके अंदर प्लेसेंटा भी मौजूद होता है। अभी मैंने आपको फाइलम ओनाइकोफोरा की सारी खसूसियात बताई जो कि क्लासिफिकेशन की हायरार्की में फाइलम एनालिडा और फाइलम ऑर्थ्रोपोडा के बीच में आता है। बीच में आने का मतलब कि ये दोनों को कनेक्ट कर रहा है, इधर ये फाइलम एनालिडा को कनेक्ट कर रहा है तो दूसरी तरफ फाइलम ऑर्थ्रोपोडा को कनेक्ट कर रहा है। इसका ये मतलब है कि एक साइड में ये फाइलम एनालिडा का कज़िन है तो दूसरे साइड में ये फाइलम आर्थ्रोपोडा का कज़िन है। कज़िन से मतलब ये है कि ये फाइलम एनालिडा और आर्थ्रोपोडा से दोनों से ही रिश्तेदारी रखता है और इन दोनों के बीच में मौजूद हो करके दोनों की रिश्तेदारी को भी बताता है। सबसे पहली खसूसियात है इन दोनों की वर्मी फॉर्म बॉडी। दोनों का जिस्म अगर आप देखें तो उनका जिस्म वर्मी फॉर्म होता है, यानी कि जैसे केचवे को तो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देखते होंगे, जो स्ट्रक्चर केचवे का होता है उसको वर्मी फॉर्म बॉडी कहते हैं और ये वर्मी फॉर्म बॉडी में एक एंटीरियर साइड और एक पोस्टीरियर साइड होता है। एनिमल काफ़ी लंबा होता है और एंटीरियर साइड और पोस्टीरियर साइड थोड़े से पतले होते जाते हैं। इन दोनों ही फाइलम में एंटीरियर साइड में बहुत छोटी छोटी सी आंखें पाई जाती हैं जिसको कि नेकेड आई से देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इनकी वर्मी फॉर्म बॉडी का जो इनकी खसूसियात जो कॉमन है वो है दूसरी सेगमेंटेशन। इनमें दोनों ही फाइलम में मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, यानी पूरा जिस्म छोटे छोटे खानों में बटा हुआ होता है।
केचवा तो बहुत आसानी से देखा जा सकता है जो फाइलम एनालिडा को बिलोंग करता है. लीच यानी जोक, नैरीज, ये सब फाइलम एनालिडा में आते हैं और सभी मेटामेरिक सेगमेंटेशन दिखाते हैं. दूसरी चीज़ है कि इनके जिस्म जो है वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है. चाहे आप केचवे को 20 से कट करें या किसी एनाइकोफोरन को या वेलवेट वर्म को भी अगर आप 20 से काटें तो उसका दाहिना हिस्सा जो है उसके बाएं हिस्से का मिरर इमेज होता है, एक जैसा होता है. उसके अलावा हेड रीजन जो है वो उसको अगर आप ट्रंक रीजन से अलग करना चाहें तो थोड़ा सा ऊपर से देखने में मुश्किल होता है. सेगमेंट्स की गिनती के अकॉर्डिंग आप उसको खाली अलग कर सकते हैं. दोनों ही फाइलम में जिल्द ऊपरी सतह जो है वो क्यूटिकल की होती है और काफ़ी महीन लचीली होती है. उसके अलावा एनालिड में जो लेग्स पाए जाते हैं वो पेयर्ड लेग्स होते हैं. ओनाइकोफोरेंस में भी पेयर्ड लेग्स होते हैं. फ़र्क इतना है कि एनालिड्स के लेग्स को पैरापोडिया कहते हैं, ओनाइकोफोरेंस के लेग्स को लोबोपोड कहते हैं और दोनों ही के लेग्स जो हैं हर सेगमेंट में पेयर्ड, एक एक पेयर्स में मौजूद होते हैं, उसके साथ साथ अनज्वाइंटेड होते हैं. ये दोनों ही धीमे चलते हैं और दोनों ही जानवरों में पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट होता है, यानी जब ये आगे की तरफ बढ़ते हैं तो जिस्म में एक लहर सी दौड़ती है. इनकी जो बॉडी वॉल होती है यानी कि स्किन को अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन कट करें तो आप देखेंगे कि इसकी बॉडी वॉल जो है वो काफ़ी मस्कुलर होती है. ओनाइकोफोरन्स और एनालिड्स दोनों के जानवरों की जिस्मानी दीवार में सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स मौजूद होती हैं और ये सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पूरी बॉडी वॉल में एक ही तरीके से फैली होती हैं जो जिस्म को सिकोड़ने में और फैलने में मदद करती हैं. दोनों ही फाइलम में, फाइलम एनालिडा में और फाइलम ओनाइकोफोरा में एलिमेंट्री कैनाल यानी हाजमे का निज़ाम एक लंबी ट्यूब की शक्ल में होता है जिसमें फेरिंग्स काफ़ी मस्कुलर होती है और इनके दोनों ही फाइलम के अंदर सेलिवरी ग्लैंड्स मौजूद होती हैं. माना जाता है कि ये सेलिवरी ग्लैंड्स इन फाइलम में नेफ्रीडिया का ही एक हिस्सा होती हैं. दोनों ही फाइलम के जानवरों में एक्सक्रीटरी या इखराजी निज़ाम नेफ्रीडिया के ज़रिए होता है जो जिस्म के हर सेगमेंट में मौजूद होते हैं और उसमें मौजूद पैरों के पास खुलते हैं. इसके अलावा जो एनालिट्स हैं और ओनाइकोफोरन्स हैं उनमें स्लाइम ग्लैंड्स और कॉक्सल ग्लैंड्स पाई जाती हैं. ये कॉक्सल ग्लैंड्स और स्लाइम ग्लैंड्स पॉली एनालिडा की क्लासेस हैं, पॉलीकिड्स और ओलाइगोकिड्स दोनों में ही ये ग्लैंड्स पाई जाती हैं. इधर ओनाइकोफोरा में भी पाई जाती हैं. तो अब हम देखेंगे कि हम किन कैरेक्टर्स की बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि दूसरी तरफ ये आर्थ्रोपोड्स के भी कज़िन हैं. उसमें सबसे पहली खसूसियात है दोनों के अंदर मोल्टिंग, यानी ओनाइकोफोरन्स और आर्थ्रोपोड्स दोनों के जिल्द की ऊपरी सतह काइटिनस होती है और ये दोनों में ही मोल्टिंग पाई जाती है. दोनों ही अपनी क्यूटिकल की परत को कुछ अरसे के बाद बदल देते हैं और उसकी जगह पे एक नई क्यूटिकल आ जाती है. दोनों ही के पैर सेगमेंटली अरेंज्ड होते हैं, पेयर्ड होते हैं, सेगमेंटली अरेंज्ड होते हैं. लेकिन ओनाइकोफोरन्स के पैर लोबोपोड्स कहलाते हैं, आर्थ्रोपोड्स के पैर अपेंडेजेस कहलाते हैं. फ़र्क इतना है कि ओनाइकोफोरन्स में वो जो लोबोपोड्स हैं वो अनज्वाइंटेड हैं लेकिन आर्थ्रोपोड्स के पैर जो होते हैं वो ज्वाइंटेड होते हैं. पर दो चीज़ तो मिल रही है, सेगमेंटली अरेंज्ड हैं और उसके साथ साथ पेयर्ड हैं. आर्थ्रोपोड्स का अगर आप अपेंडिज देखें और ओनाइकोफोरन्स के लोबोपोड को देखें तो इन दोनों के पैर के आखिरी हिस्से पे नाखून की तरह दो लंबे लंबे क्लॉज मौजूद होते हैं और जिनको हम चंगुल कहते हैं. आपने अपने घरों में कॉकरोचेस देखे होंगे. कॉकरोच भी आर्थ्रोपोडा में आता है, क्लास इंसेक्टा में आता है.
कॉकरोच के आगे आपने दो लंबे लंबे से एंटीना देखे होंगे और इधर आपने देखा कि ओनाइकोफोरन्स के वेलवेट वर्म में भी दो एंटीना पाए जाते हैं, तो इस तरह से उसकी मुशाबियत, एंटीना की मुशाबियत कॉकरोच की जो है वो ओनाइकोफोरन्स से भी है। और दूसरी चीज़ ये है कि मुंह के अंदर मैंने आपको बताया था कि ओनाइकोफोरन्स में के मुंह में जॉज या मैंडिबल मौजूद होते हैं जो सिकल शेप्ड होते हैं। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप भी कॉकरोच को पकड़ के उसके मुंह में देखिए तो मुंह के अंदर आपको भी मैंडिबल नज़र आएगा जो कि जॉज है कॉकरोच का और सिकल शेप्ड होता है। और इसके एक आखिरी छोर पर जैसे आरी की तरह छोटे छोटे से दांत मौजूद होते हैं, वो कॉकरोच में भी मौजूद होते हैं। तो ये दोनों की काफ़ी सिमिलैरिटी हो गई है। उसके साथ साथ ओनाइकोफोरन्स में जो दिमाग एंटीना के नीचे पाया जाता है और बाइलोब्ड होता है जिसको कि यानी हम ब्रेन कहते हैं, सेम ब्रेन आर्थ्रोपोड्स में भी एंटीना के नीचे पाया जाता है। आर्थ्रोपोड्स और फाइलम ओनाइकोफोरा दोनों की ही बॉडी कैविटी का फ्लूइड हीमोसील है। इसमें जो दौरान खून होता है, आर्थ्रोपोड्स के भी खून का कोई रंग नहीं है, उसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं मौजूद है, उसमें कोई और दूसरी वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। इस तरह से आर्थ्रोपोड में भी ओपन सर्कुलेशन है और ओनाइकोफोरन्स में भी ओपन सर्कुलेशन है। उधर मैंने आपको बताया था कि इनका दिल एक ट्यूब की शक्ल का होता है। आर्थ्रोपोड्स में भी दिल जो है यानी हार्ट वो एक ट्यूब की शक्ल का होता है जो तीसरे सेगमेंट से लेकर के आखिरी सेगमेंट तक फैला होता है। आर्थ्रोपोड्स में भी दिल एक पेरिकार्डियल साइनस के अंदर होता है, थैली में होता है, और इसके भी आर्थ्रोपोड्स के भी हार्ट में छोटे छोटे से छेद होते हैं जिनको ऑस्टिया कहते हैं, और उन्हीं ऑस्टिया के ज़रिए ये अपने हार्ट से खून का दौरान जो है वो पेरिकार्डियम में जाता है, फिर पेरिकार्डियम से वो दिल के अंदर आ जाता है। इसमें जो तनफ्फुसी निज़ाम है ट्रैकिया के ज़रिए दोनों ही फाइलम में होता है, यानी जिस्म के अंदर इनके ट्रैकिया मौजूद होती हैं और जो ये ट्रैकिया है वही सांस लेने में मदद करती हैं। सिस्टम के अंदर दोनों ही फाइलम में स्टिग्मेटा होता है। स्टिग्मेटा बाहर की तरफ एक छोटे से छेद से खुलते हैं जिनको स्पाइरेकल ही कहते हैं और स्टिग्मेटा भी कहते हैं। दोनों ही फाइलम में डेवलपमेंट के दौरान सीलोम सिकुड़ करके इखराजी और तौलीदी निज़ाम बनाता है, यानी कि सीलोम जब एम्ब्रियोनिक स्टेजेस चल रही हैं तो सीलोम सिकुड़ जाता है और एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कैविटीज़ को बनाता है। गोनैड्स जो हैं दोनों ही फाइलम में, चाहे वो मेल गोनैड हो चाहे वो फीमेल गोनैड हो, दोनों ही में गट के यानी एलिमेंट्री कैनाल के इर्द गिर्द फैली हुई होती हैं। सेलेवरी ग्लैंड्स दोनों ही फाइलम में पाई जाती हैं। और इस तरह से अब हमने देखा कि इसकी कौन सी खसूसियात जो आर्थ्रोपोड से मिल रही थी और कौन सी खसूसियात इसके एनालिट्स से मिल रही थी, तो काफ़ी रिश्तेदारी इनके, अगर आप खसूसियात देखिए, जनरल कैरेक्टर्स देखिए, तो काफ़ी कुछ एक तरफ ये एनालिडा से मिल रहा है और दूसरी तरफ ये आर्थ्रोपोड्स से मिल रहा है। इसी वजह से ओनाइकोफोरन्स को फाइलम एनालिडा और फाइलम आर्थ्रोपोडा की कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। और जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो एनालिडा के बाद फाइलम ओनाइकोफोरा को रखते हैं और उसके बाद फाइलम आर्थ्रोपोडा को रखते हैं। आज हमारा यहीं पे ये प्रोग्राम ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।